आज ही का डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले ने पूरे देश को झुंझोर कर रख दिया है और उस पर पूरा देश जल रहा है। दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा की मांग को लेकर हर जगह प्रतिवाद जारी है। उसी तरह से कोलकाता के वार्ड नंबर 45 के पार्षद संतोष कुमार पाठक के नेतृत्व में प्रतिवाद मोमबत्ती जुलूस निकाला गया, जो वार्ड के ऑफिस से बर्मन रोड से शुरू होकर कैनिंग स्ट्रीट से होता हुआ NS रोड में आकर समाप्त हुआ। वहाँ नेताजी की समाधि पर सबने मोमबत्ती जलाई और उस डॉक्टर की आत्मा की शांति की कामना भी की। जुलूस में महिलाओं की काफ़ी संख्या बिमला पाठक के नेतृत्व में शामिल थी और मर्दों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा की मांग भी कर रही थी। उन लोगों के अलावा रैली में उपस्थित थे शिवराज वाल्मीकि, कालीनाथ सिंह, रविंद्र तिवारी, मोहम्मद सरफराज, आकिब जहूर, परवेश आलम, सुभाष सिंह, सुशील यादव, रोहित पाठक के नेतृत्व में युवाओं की बड़ी तादाद ने मोमबत्ती जुलूस में भाग लेकर देश की बेटी आजी करके डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे। तो आइए आपको दिखाते हैं उस रैली की कुछ झलकियां और सुनते हैं सबने क्या कहा। सीबीआई इंक्वायरी से आप लोग कितना आशावादी है? इसमें विचार चाहिए और अगर ये ऐसा करती है तो साबित हो जाए कहीं ना कहीं मोदी जी भी शामिल है ममता को बचाने में। तो लेकिन ऐसे उम्मीद है इसमें इस घटना के प्रतिवाद में चूंकि पॉलिटिकल कोई ऐसा नहीं है, इसलिए ये घटना जो है हमको ये लग रहा है कि जरूर जो है इसका खुलापन होगा और इसमें और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ममता बनर्जी तो बोल रही है कि इस पे जो है अपोजिशन जो है पूरी तरह से सियासत कर रही है, इस पर क्या? ममता बनर्जी तो ऐसे बोलती रहेंगी। ममता बनर्जी नाटकबाज है, वो नाटक की जब वो होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, उसके बावजूद जो है उन्होंने वो नाटक करने का क्या सरकार था? वो तो अपनी पुलिस को बोलती है अरेस्ट करने के लिए और जो लोग थे उसमें, पहले तो वो कहीं कि ये एक रेप है, रेप का ये सुसाइड केस है। सुसाइड के केस के बाद उसके 3 घंटे माँ वहाँ बैठे, माँ बाप बैठे रहे, उनको देखने नहीं दिया गया। फिर बाद में ये हुआ कि ये जो है ये रेप केस है। पहले तो उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, जो लोग सरासरी कहीं ना कहीं TMC के नेता हैं, वो लोग जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो है ये सरासरी सुसाइड केस है। तो ये एक जो है नाटक है ये सिर्फ TMC का और हम लोग इसका उसी के लिए विचार चाहिए। अभी हम लोग जुलूस में थे, कांग्रेस का जुलूस था, 10 किलोमीटर का जुलूस था, उस जुलूस से हम लोग होके आ रहे हैं। लाखों की संख्या में साधारण लोग थे और साधारण जनता जो है पूरे भारतवर्ष में ये घटना के खिलाफ उतरी। अपोजिशन पार्टियों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो है उस दिन जो आजीकर में जो तोड़फोड़ किया गया, तांडव किया गया, वो तथ्य को चुका है, मतलब लोटपाट करने के लिए। नफामों के लोग थे, नरामों के लोग थे, नराम नफाम, वो सारे के सारे लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के थे और ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी के इशारे पे उन लोगों ने जाके वहाँ तांडव किया। किसी भी तरह जो है जो आंदोलनकारी वहाँ से भाग गया। तो आप लोगों का क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हैं? वी वांट जस्टिस, विचार चाहिए, शामिल हो। आज के आप लोगों ने जो रैली निकाला है मोमबत्ती मिछिल, क्या बोलेंगे इस पर? आज के रैली का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? हम लोग रैली का ही उद्देश्य अपना पद छोड़े, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, वो ₹500,000 लक्की भंडार दे देने से महिलाओं की इज्जत को नहीं कर सकती है। आज आप 500 का 1,000 रुपया दिए तो हम, आपने कहा कि हमने डबल कर दिए के अपराध का देखा कि डबल हो शास्ती चाहिए। यदि आपको शर्म हो रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, ममता बनर्जी इस्तीफा दे दे, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हम लोग को राज्य में।
ममता बनर्जी से बात करना स्टार्ट करते हैं, और ऐसे लोगों को फांसी से नहीं होगा, उसको ऐसे जिस तरह से मेरी बिटिया तड़प तड़प तोड़ी है वैसे ही बोल आज कांग्रेस की तरफ से मोमबत्ती जुलूस निकाला गया है, आप लोग आवाम तक क्या पैगाम देंगे इस मोमबत्ती जुलूस में? पैगाम नहीं, दर्द है, दुख है, तकलीफ है कि एक बेटी के साथ में ऐसा हादसा होता है जहां की मुख्यमंत्री खुद महिला है और महिला होने के नाते उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। पहली रात जब आप होम मिनिस्टर हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी आज एक नौजवान लड़की का हॉस्पिटल के अंदर में ड्यूटी आवर्स में रेप होता है और पहली रात को यहाँ की मुख्यमंत्री उसके पास नहीं पहुँचती, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया उस वक्त तक जब तक कि पब्लिक रास्ते में नहीं उतरी थी, जब तक स्टूडेंट और डॉक्टर ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, जब तक हम लोगों ने कलकत्ता की सरजमीन को जाम नहीं किया था, तब तक मुख्यमंत्री जी ने कोई एक्शन नहीं किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने तो सीबीआई के हवाले कर दिया आप तो। हमने नहीं किया, सीबीआई के हवाले ने हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, मगरबी बंगाल के गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने फटकार लगाया और फटकार लगाकर सीबीआई को यह केस को सौंपा गया है। हम सारे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में इसका कोर्ट में केस चलाकर शाम बाजार के सरजमीन पर ये सारे लोग जो इसमें मुलव्वस है उनको सरेआम फांसी दी जाए और रोड के ऊपर दी जाए। तृणमूल कांग्रेस जो कि हुक्मरान जमाते हैं, उन लोगों की तरफ से भी तो चार रोजा जो है प्रतिवाद चल रहा है, चार दिनों से, चार दिनों का उन लोगों ने प्रोग्राम लिया। तो आप एक बात बताइए कि तृणमूल की सरकार है, ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी खुद होम मिनिस्टर है, और उसके बाद वो बाहर सड़क पर निकल जाती है और कहती है वी वांट जस्टिस, किसको बेवकूफ बना रही है? आप मुख्यमंत्री से पहले इस्तीफा दीजिए, होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा दीजिए, हेल्थ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दीजिए, फिर आप कहिएगा कि वी वांट जस्टिस। अरे सरकार आप चला रही है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, पुलिस आपके पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास है, अस्पताल को आप देख रही है, लेकिन आवाज कौन उठाएगा? आप निकल के बाहर बोल रही है कि वी वांट जस्टिस, बेवकूफ बनाना बंद कीजिए बंगाल के लोगों को। जो निर्मम हत्या की गई है, जो लोग इसमें मुलव्वस है उसको सरेआम फांसी दीजिए, वरना कलकत्ता के सरजमीन पर लगातार जो स्टूडेंट और लगातार जो हिंदुस्तान के नौजवान हैं वो आंदोलन करते रहेंगे बंगाल की बेटी के लिए, जिस तरीके से ना पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली में इंडिया गेट के सामने निर्भया केस में सारे लोग जमा हुए थे, आप कैमरा घुमा के देख सकती हैं। ये यहाँ पर सब कारोबारी लोग हैं, सब काम करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, व्यापारी लोग हैं, लेकिन सब ये चाहते हैं कि मधुमिता के साथ में जो रेप कांड किया गया है उसको सरेआम फांसी दी जाए, ऐसा उसके सजा होनी चाहिए कि दोबारा ऐसे लोग ऐसा क्राइम करने में उनका रूह कांपे। घटना के आप किस शब्दों में निंदा करेंगे? जिस तरह से जंग अपराध उनके साथ में हुआ है और उनका जो सहर्ष हत्या किया गया रेप जो इसमें कल दोषी उनको शास्ति के लिए और फांसी दिया जाए और जो जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार संदीप घोष को सीबीआई ने बुलाया है, संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया जाए ताकि असलियत क्या है ये पता चलेगा और जो जो दोषी है उनको सजा दी। आरजीकर डॉक्टर घटना की निंदा में आज पूरे देश भर में प्रतिवाद चल रहा है, ठीक उसी तरह से आज वार्ड 45 में भी यहाँ के पार्षद संतोष कुमार पाठक जी ने प्रतिवाद मिचिल निकाली, मोमबत्ती मिचिल, तो आप लोगों ने भी इसमें उसका हिस्सा बने, तो क्या बोलेंगे इस पर? जी हम लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं, जिस महिला का, जिस डॉक्टर का जिस दुष्कर्म की वजह से जान गया, इसका कौन है, इसका कल्प्रिट कौन है, आप उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अगर आप नहीं चाहते तो सीबीआई को नहीं गया रहता है जांच। अगर आप जिस स्पीड में आप चलती हैं उस स्पीड में अगर आप ये प्रोटेस्ट को समझती, एक्सेप्ट कर ली होती तो आज कल्प्रिट पकड़ा जाता, कितने नंबर ऑफ पर्सन है उनको आप लोग पकड़ लेते, लेकिन आप उसको नहीं किए तो आज हम लोग का सब पूरे कलकत्ता में इस तरीके से चल रहे हैं, आपके खिलाफ हो रहे हैं। इन लोगों को समझना होगा कि आपके खिलाफ है, आपके साथ नहीं है। तो आप लोग क्या डिमांड क्या चाहते हैं? आप जितनी जल्दी हो जितने भी कल्प्रिट उनके नाम सामने आए और उनको फांसी की सजा हो, फांसी का मतलब फांसी। धन्यवाद।